हर सांसद का जोश बेहद हाई है। ऐसी एक सांसद है बिहार की शांभवी चौधरी, जो सबसे कम उम्र की सांसद इस बार बनी है। मेरे साथ इस वक्त एलजेपी से और देश की सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी चौधरी हैं। पहली बार चुनाव लड़ी और चुनाव जीती हैं। समस्तीपुर से सांसद हैं शांभवी। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? फिलहाल अभी तो हम लोग दिल्ली में हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना लें, ये मेरी अभी कह सकते हैं कि जो वन पॉइंट एजेंडा है वो है। और बहुत हद तक मतलब अब हम सफल भी होने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री जी अपना शपथ लेने वाले, एक बार उनका शपथ हो जाए वापस हमें क्षेत्र जाना है। और क्षेत्र जाके जो हमारा घोषणा पत्र हमने जारी किया था, जो समस्तीपुर की जनता अपने सुझाव से सारा सुझाव दे के वो जो घोषणा पत्र हमने तैयार किया था उस पर हम काम करना शुरू करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि एक साल दो साल में समस्तीपुर में अंतर दिखने लगे। अगले पाँच साल में शांभवी के जीवन में निजी तौर पर और राजनीतिक तौर पर कितना बदलाव आने वाला है? आपके पास तो पहले से सब कुछ है। हम ये सवाल करते हैं कि सांसद बनने के बाद पहला काम आप क्या करेंगे, तो कई बार जवाब होता है कि जी गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, अलग अलग तरीके का जवाब होता है। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला और पहला काम आप क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम मानते हैं कि हम अपने क्षेत्र वापस जाएंगे, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन हमें अपने क्षेत्र का भ्रमण करना था, पर क्योंकि दिल्ली से फ़ोन आ गया तो हमें दिल्ली आना पड़ा और अभी भी क्षेत्र के लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब वापस आइएगा। तो हम मानते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ से जीत के क्षेत्र जाएंगे और वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जिनसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम चुनाव के दौरान जिस तरह से सभा लगा लगा के मिल रहे थे, वैसे ही हम वापस उनसे मिलना शुरू करेंगे, उनकी परेशानियाँ सुनेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ी चीज होती है। शांभवी कभी सीएम बनना चाहें या पीएम बनना चाहें? फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ऐसा हम मानते हैं कि हमको अपना जो खुद के लिए एक्सपेक्टेशन होता है उससे हमको ज़्यादा मिला है, तो मेरा इससे हाई डिमांड मेरा कभी नहीं रहा है। और इसके पहले भी मेरा बस एकमात्र गोल था कि हमको किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिले। चलते चलते ये आखिरी सवाल है, तीन नाम मैं लूँगी, एक सिर्फ एक का नाम लेना है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या चिराग पासवान, सिर्फ एक। डेफिनेटली बिना सोचे समझे चिराग पासवान। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ नीतीश श्री, एबीपी न्यूज दिल्ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।